मेरे चैनल पे बहुत पुराना एक केक का रेसिपी है जिसमें मैं डायरेक्ट कुकर में केक बना रही थी। उस टाइम मेरे पास माइक्रोवेव नहीं था तो मैं डायरेक्ट कुकर में केक बनाती थी बिना किसी मोल्ड का। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिर से ट्राई किया जाए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद रोमा। आई एम रोमा, स्वागत है आपके मेरे चैनल में, जहाँ आज हम बनाएंगे कुकर केक बिना किसी मोल्ड के, बिना माइक्रोवेव के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, उसमें हम डालेंगे ऑयल, आप बटर भी यूज कर सकते हैं, कर्ड डालेंगे मींस दही डालेंगे, उसके बाद हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे, थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर मैंने यूज़ किया, अगर आप कोका पाउडर यूज करना चाहते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद चीनी का पाउडर हम डालेंगे, ये नॉर्मल चीनी है जिसको मैंने मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिया था। उसके बाद हम रवा डालेंगे, रवा जब हम डालेंगे तो उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे रवा जो होते हैं मोटे होते हैं, अगर आपके पास पतले वाले रवा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ मैदा ऐड करेंगे हम, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आपको जितना आपका क्वांटिटी है उस हिसाब से आप मिल्क ऐड कीजिए, मिल्क का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद 10 मिनट का इसको रेस्ट दीजिए, क्योंकि रवा जो है वो अच्छे से फूल जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करके मैं रेस्ट के लिए इसे रख दूंगी। जब तक हमारा बैटर रेडी हो रहा है, रेस्ट कर रहा है, तब तक हम अपना कुकर को रेडी करेंगे। तो कुकर में मैं बटर पेपर ऐड की हूँ, आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप अच्छे से ऑयल से इसे ग्रीस कर लीजिए, मैदा या आटे से डस्ट कर लीजिए और आपका कुकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम अपना बैटर को निकालेंगे, 10 मिनट बाद उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी यूज़ कर रही हूँ, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा दूध आप मिक्स कर दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा दूध का। मिक्स करने के बाद आप बैटर को डाल दीजिए कुकर में, उसके बाद एक दो बार आप टैप कर दीजिए और आपका ये कुकर का बैटर, कुकर सारा रेडी हो जाएगा। प्री हीट होने के लिए पहले से मैंने तवा को रख दिया था तो तवा रेडी है। इधर हम विशल और रबर दोनों निकाल देंगे कुकर के ढक्कन का, क्योंकि हमें सीटी नहीं लगाना है, हम इसे बेक करेंगे, इसीलिए रबर और सीटी दोनों निकाल लिया है मैंने। और इसे हम डाल देंगे तवा पे, प्री हीटेड तवा पे, लो मीडियम फ्लेम रखेंगे हम इसे और 30 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे। 25 मिनट के बाद मैं जब चेक करने के लिए गई थी, नाइफ मैं अंदर डाली तो आप देख सकते हैं नाइफ में थोड़ा सा लगा हुआ था, मतलब 5 मिनट और बेक होगा। जब 5 मिनट बेक हो गया उसके बाद फिर से मैंने नाइफ से चेक किया तो आप देख सकते हैं नाइफ कितना क्लीन आया है। थोड़ा सा हम कूल डाउन होने देंगे और इसे हम पलट लेंगे केक को, केक बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएगा। मेरा जो केक है मैं उसे गर्म में ही बटर पेपर हटा रही थी तो इसलिए थोड़ा बहुत टूट रहा था। आप गर्म में मत हटाइएगा, इसे हल्का सा कूल डाउन होने दीजिएगा, उसके बाद आप इसे हटाइएगा और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी वाला केक बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे आप गार्निश भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।